अस्सलाम वालेकुम गाइस, दोपहर के अभी 3:30 ही बजे हैं। कितना टाइम हुआ मुझे? कोई तकरीबन 4 तो बज ही गए हैं। लेकिन ये आपको लग रहा होगा कि रात हो गई है, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा हैं ये देखें, और बारिश हो रही है। तो ऊपर जाके टेरेस पे भी मैं आपको दिखाती हूँ, और भूख भी लगी हुई है, बड़ा सख्त दिल चाह रहा है कोई चटपटी चीज़ खाने का। तो लेट्स सी के क्या डिसाइड होता है, ठीक है? चल तो जी, अंधेरा दिन में और बादलों की गरज और चमकदार बिजली, एक परिंदा पता नहीं कहाँ चला गया, और इस ये देखें भटका हुआ एक कौवा, नहीं दो कौवे, वाह जी वाह। और इस मौसम में पकौड़े, मज़ा आ जाएगा। और पकौड़े मैं खुद नहीं बनाऊंगी, मैं मुजीब को कहूंगी कि मुजीब पकौड़े बनाएं। चलें फिर। ओह माय गॉड, बारिश हो रही है, टूट के बारिश हो रही है। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी, बहुत ही आला मौसम में जो मैंने आपको पहले दिखाया है, एक इंतहाई अजीम इंसान अपनी एक इंतहाई खूबसूरत बीवी के लिए पकौड़े बनाने लगा है। जस्ट किडिंग, एक्चुअली बात यह है कि मौसम वाकई बहुत अच्छा है, मुझे और मुजीब को भूख लगी हुई है, और प्लस मैं अपने बाल ब्लो ड्राई करवा के आई हूँ, तो मैंने सोचा कि अब सारी चीज़ें काफ़ी साजगार हैं टू मेक सम पकौड़ा एंड सम चाय। तो गाइस, ब्लॉग आने वाला था किसी और बात का, मतलब मैंने ये सोचा हुआ था कि आज मैं आपको अपने स्टोर रूम का, बिकॉज मेरे आई लव माई स्टोर रूम, और आई थिंक कि स्टोर रूम सबका बड़ा अजीज़ और बड़ा इंटरेस्टिंग रूम होता है, जिसमें आपने अपनी ऐसी चीज़ें रखी हुई होती है जो आप कभी फेंकना नहीं चाह रहे होते, लेकिन स्टोर रूम है छत पे और बाहर हो रही है बारिश। आप लोग दोनों जो खड़े हैं ना यहाँ पे, कोई मेरा क्यों लिया करें और आगे से मुझे जवाब दिया करें। और प्लस दूसरी बड़ी वजह ये है इस ब्लॉग बनाने की कि बाहर बारिश हो गई, और तीसरी बड़ी वजह ये है कि हमने इतने दिन से हमने विजिट ही नहीं किया। I swear I was missing my subscribers. Okay. तो हम बनाएंगे आज चाय और पकौड़े इस अच्छे मौसम में, और आप लोगों के साथ हम खाएंगे। Okay. और साथ उसके चाय। हाँ जी, स्टार्ट हो गया। हाँ, अभी मैं चीर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको काटूंगा और फिर आप डालेंगे इसको। अच्छा जी, काफ़ी जद्दोजहद के बाद मुजीब ने एक आलू छीले। वैसे आलू तो अच्छे छीले हैं भाई। हाँ नहीं, आलू मुझे ये बड़ी वाली छुरी इस्तेमाल करें, ये आपने किस नहीं ठीक है, हाथ कट जाएगा। ओके देन, पकौड़ों में तो बाबा की जान है, तो फिर मैं क्या हूँ? आई विश मैं भी पकौड़ा ही होती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा एक कजन था बचपन में, कहता था ओए कितने बादल गरज हैं यार, परफेक्ट मौसम, ओह माय गॉड, तो पकौड़ों को दमोड़े कहता था। हम कहते थे पकौड़े ज्यादा आसान है, तुम क्या दमोड़े दमोड़े से। ये आप लोगों को बादलों की आवाज आ रही होगी। मुझे मैं रोना क्यों, रो क्यों रहे हैं? रो रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं आपसे पकौड़े बनवा रही हूँ। तो मैं बना लूँ? नहीं, मैं बना लूंगा, थैंक यू सर। जी नहीं। चलो जी, ये मैंने कर दिया। मैं बड़ा बचा रही हूँ वैसे, मैं नोट कर रही हूँ। मुझे लग गया है। अच्छा जी, क्या चीज़? प्याज, मिर्च और थोड़ा सा आलू, अभी ये डाल दे, थोड़ा सा और प्याज है वो भी अभी हम करेंगे। अच्छा, और प्याज डालिए। I love प्याज। उसके बाद ठीक है। हाँ हाँ, नहीं मुझे अभी ये डाल ले नमक मिर्च। चलिए मुझे बताएं, मैं आपको हेल्प करती हूँ। नमक कितना डालना है आपने? थोड़ा सा। कितना? थोड़ा सा और डालने, क्योंकि अगर नमक कम हो तो पकौड़े बहुत निकले रहते हैं। और थोड़ी सी हमने डाली इसमें मिर्च,
थोड़ी सी हल्दी डाल दो और हाँ अजवाइन भी डालना यार, थोड़ी सी अजवाइन जो है ना वो बड़ी मजेदार हो जाती है। आंटी डालती है अपनी थी। ये आपकी अम्मी भी डालती थी ये हल्दी थोड़ी सी और जनाब बताएं अजवाइन अजवाइन और साथ में हम हल्का सा धनिया भी हो जाए तो कुल मजा कर देंगे। अजवाइन कितना हल्का चुटकी भर डल रहा है अजवाइन और क्या कह रहे हैं धनिया 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 क्या रहने नहीं नहीं क्यों बोल रहे थे धनिया है ना अच्छा जी तो इसको मैं पानी आपको प्रोवाइड करती हूँ आधा आधा चलिए आप पहले मिक्स करें ना हम और डाल देंगे चलिए आप मिक्स करें और मैं यहाँ पे बर्नर पे जो है वो हमने रख लिया हुआ है इधर कढ़ाई तो मैं उसको ऑन करती हूँ। और एक तरफ रख देते हैं जी हम चाय तो एक तरफ मैंने पकने के लिए रख दी है जी चाय और एक तरफ हमारा अब यहाँ पर हो रहा है गरम ऑयल और बाबा जो है वो उन्होंने बहुत थोड़ा सा बेसन डाल दिया ज्यादा हो गया थोड़ा सा वैसे तो ये भी बना करेगा लेकिन थोड़ा सा है हम थोड़ा सा जी बेसन बाबा से पतला हो गया मैं और डाल रही बस बस तो ये हमारे हमारा जो बेसन है ये आप देखें कि मुझे तो मुझे बात में तो बड़ा अच्छा कमाल कर दिया कमाल ही कर दिया भाई चले आए चले ये तो बहुत बड़ा डाल रहे हैं ठीक है थोड़ी सी आग आहिस्ता कर दूं ताकि ये जल्दी से जल ना जाए ना अंदर तक पक जाए सब्जी कर रहे हैं ओह माय गॉड चलो जी खैर है पकौड़े तो खाई ना डल गए मुझे डू यू नीड अ चम्मच अभी ये देते हैं अभी इट विल टेक सम टाइम चाय का क्या सूरत हाल है चाय भी साफ साफ बन रही कलर तो बहुत अच्छा है भूख लग रही है ट्रे ट्रे रखेंगे हम कप्स टी रेडी बोले ना सब्सक्राइबर्स के साथ
ये बस अभी सासा इसको उल्टाने की जरूरत है क्योंकि हमने इसकी हीट ज्यादा की हुई है निकता प्यार निकता वो मुझे कभी समझ नहीं आई इसलिए मैं आगे निकता होता है निकता मतलब बचपन का चटनी नहीं है हम इसके साथ केचप क्योंकि हमारा पुदीना बाहर लगा हुआ बाहर बारिश हो रही है ना आराम आराम से निकाले ना एक बार तो मेरे अंगूठे में फेंक दिए पुराना बदला नहीं क्या बदल जिनको आदमी चाहता है उनसे बदला तो नहीं दिया जाता कह रही है कि जिनको आदमी चाहता है उनसे कोई बदला नहीं लिया था सरताज मैंने एक्टिंग वेरी हॉट वेरी यम्मी चलो और डाल लीजिए जो तुम्हें चाहिए ना अभी नहीं अभी मैं और आप ये गर्मा गर्म खाएंगे मरियम अभी नहीं है वो आएगी उसके लिए ये रख देते हैं गरम गरम फ्राई करके देंगे तो गाइस ये हमारी आज हमने तो बारिश में पकौड़े बनाए हैं और अभी हम मजे से बैठ के ठहरे ना चाय भी दिखा देते हैं मैं तो कहता हूँ दो तीन और बना लेते हैं नहीं अभी नहीं अच्छा मुझे आप ओवर ईटिंग करते हैं ना फिर आपको लगेगा कि आपने ओवर ईटिंग कर ली है तो इधर कैमरा लाकर मेरा दिखाई है चाय तो गाइस तैयार हो गए हैं हमारे गर्मा गर्म पकौड़े जो कि मुजीब ने बनाए हैं और अदरक वाली चाय जो कि हम खाने लगे हैं विद टोमेटो केचप थोड़ी सी टोमेटो केचप ये मुझसे कभी भी नहीं निकलती मुझे पहले कुछ नहीं निकलेगी फिर एकदम सारी निकलेगी और साथ में ये है हमारे पास ग्रीन चिली केचप दिस इज फॉर यू दैट वन इज फॉर मी क्यों हमसे खफा हो गए ए जाने तमन्ना भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते जो जी जो खफा हुए हुए हैं वो उनके लिए आइडिया है पकौड़े बनाए और खाए और एक दूसरे से खफा ना हुआ करें कैसा लगा गाना पकौड़े की तारीफ मैं करूंगी अपने पकौड़ों की खुद तारीफ ना करें गाना बस गुड था मुझे पत्ती तो नहीं ज्यादा डाल दी क्रंची
और गरम है एग्जैक्ट नमक मिर्च है और जो अजवाइन है उसका भी अजवाइन का भी अच्छा मजा आता है। तो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग और इसके बाद मैं आपको टिल देन डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक और हमें अपनी बहुत ही दुआओं में याद रखें अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे आमीन। वी लव यू गाइस टेक केयर अल्लाह हाफिज़ एंड टेक पकौड़ा डोंट फॉरगेट टू टेक पकौड़ा।